हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आपको दोस्त दिग्विजय जाला। आज मेरे बेटे मित्राज और मेरे भाई के बेटे युवराज का बर्थडे है। दोनों भाई का बर्थडे सेम डेट सेम मंथ में है, लेकिन एक जामनगर में है और एक भरूच में है। तो हम आपको दोनों तरफ का वीडियो बताएंगे, तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। ये रात को हम रिटर्न गिफ्ट की तैयारी कर रहे थे और उसके बाद डेकोरेशन भी करेंगे। डेकोरेशन में हेल्प करने के लिए मित्राज का दोस्त और हमारे नेबर भी आए थे। गुब्बारे फुलाने का भी एक अलग मजा है। ये एक बार छूट गया था, ये आपको मैं स्लो मोशन में दिखाता हूँ। बहुत कॉमेडी हुआ था। तो ये डेकोरेशन कंप्लीट हो गया है, अभी बस गेस्ट का इंतज़ार है। जैसे ही सब लोग आएंगे तो हम लोग बहुत धमाल करने वाले हैं, बहुत डांस होने वाला है, गेम खेलने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। एक तरफ मित्राज का और एक तरफ युवराज का केक रेडी हो गया है। मित्राज के सभी दोस्त आते ही हम लोगों ने पासिंग द बॉल गेम स्टार्ट किया था। जैसे ही बॉल किसी के पास रुका, उसको कुछ करना है। जोक्स बोल सकते हैं, डांस कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। मित्राज के दोस्त शर्मा रहे थे, तो मित्राज खुद उसके साथ डांस करने लगा था, तो बहुत ही अच्छा माहौल बन गया था। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो सामने से आउट होना पसंद करेंगे और डांस करना चाहेंगे, जैसे ये है। जो बच्चे आउट होते जाते थे, अपना अपना डेयर लेके वो ऊपर बैठ जाते थे और आगे गेम स्टार्ट रहता था। हमारे पास एक और टैलेंट था जिसने सामने से फरमाइश किया था, जैसे मैं आउट होती हूँ ये डांस करना है। लेकिन जैसे ही बर्थडे बॉय आउट हुआ, तो उसने अपना एक अलग ही जलवा दिखाया अपने दोस्तों के साथ। Thank you.
बंद कर दी। चलो चलो कोई आवे अगर अगर इस गेम में बॉयज रुकेंगे तो गर्ल्स हंसाएंगी और जब गर्ल्स डांस करेंगी तो बॉयज उसको हंसाएंगे, जो हिलेगा हंसेगा वो आउट हो जाएगा। सबके चेहरे देखने लायक थे, एक दूसरे को हंसाने के लिए बहुत मेहनत कर रहे थे। दूसरी तरफ युवराज के बर्थडे में भी माहौल बन गया था, वहाँ पे थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ था, यहाँ पे भी बहुत कॉमेडी हुई है, बहुत सारे बच्चों ने अच्छा अच्छा डांस किया है, आपको दिखाते हैं। प्रियंशिबा युवराज और मित्राज की बहन है, उसने भी अच्छा डांस किया था। बच्चे हमेशा केक और चॉकलेट का इंतजार करते हैं, लेकिन हमारे सोसाइटी का टैलेंट ऐसा है कि मुझे उसको स्टॉप करके केक कटिंग का ऑर्डर देना पड़ा। तो चलिए जब तक डिनर रेडी होता है हम लोग थोड़ी फोटोग्राफी कर लेते हैं बर्थडे बॉय के साथ। बर्थडे का एक और ये टाइम है जिसका सबको इंतजार होता है, एक होता है रिटर्न गिफ्ट और बर्थडे बॉय को मिलने वाले गिफ्ट। तो चलिए बर्थडे बॉय अपना गिफ्ट अनबॉक्स कर रहा है तो वो भी हम देख लेते हैं। दोस्तों ये सभी टैलेंट का मैं फुल वीडियो इंस्टा में डालने वाला हूँ, तो मेरा ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसी तरह आप हमें अपना प्यार देते रहिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।